ये कह रहे हैं देख लो जी, हमें नस्ल सुधारा जी, काम नस्ल सुधार को। हाँ अच्छा, सरकार को नहीं दिए क्योंकि हम तो कब बार बार नहीं चला रहे हैं अभी तक। इस तरह की अचीवमेंट कोई है उदाहरण एग्जांपल है कोई? राजनीति वाले की भी यही कर देंगे, उनकी नस्ल सुधार दो तो सारा देश आपको सुधर जाएगा। आओ आप आओ, नूर को नहीं सुधरे फिर जब पीछे पीछे अच्छा डर रहे हैं नौकरी में होंगे। नस्ल इन्होंने चला रखी, अपन चला रखी है, वो अपन ने वोट दे के उन्होंने ऊपर चढ़ावा जी। ये देखो मारने वोट में कहीं बढ़िया बात है, क्यों नौकरी का भी सवाल है नहीं? मानसा तो ज्यादा कदर इनकी। हाँ, बस बस बस। और यू काला धन है, काला सोना, काला सोना, काला सोना है यू। हाँ। आजा भाई काला सोना दिखा रहा है, लोटी लोटी दिखा इसकी, मैं इसकी भाई क्या नाम तरह, क्या नाम भी तरह मैं इसका, मैं इसका नाम कहते हैं क्या अमित ना प्यार तो बोलो भाई मान ले गया, तो इसका नाम सीता, सीता सीता राम की सीता, सीता का लव यूरिया। चलो इसमें आप देखो ये 22 किलो का दावा कर रहे हैं भाई। हाँ। 22 किलो यानी लीटर नहीं, 22 किलो कांडा में जो तुलगा 22 किलो, तो 22 किलो का दावा है, दावा करने वाला और रिश्ते ऊपर का भी आ रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल, दावा अपनी मैस का सभी करा। हाँ सही बात है। हाँ जी बोले अपनी मैस ने कौन माड़ी बता ना, अपनी चीज ना कोई ना, अपनी लासी ने कोई नहीं खाटी, कोई बता नहीं था, मैस ने माड़ी नहीं बता दे। तो इसकी उम्र कितनी है? उम्र इसकी 4 साल है जी, 4.5 साल। कौन सा काम भीतर? कोल। कोल। हाँ जी। अच्छा भाई। हाँ जी। चलो इस पर के बालक है क्या जी? छोरी है बालक, दो पहला कटड़ी है जी, इसकी कटड़ा है नीचे इसके। अच्छा। हाँ जी। दो छोरी एक छोरा। हाँ दो छोरी एक छोरा। चलो ठीक है भाई। अच्छा खुराक खुरुक भाई इसकी? खुराक चना खावा जी, बिनोड़े की खड़ भी खावा, बिनोड़ा भी खावा, चोकर भी खावा, यही खाना जी, बाकी तो मिक्सर है वो भी, जैसे कि दलिया भी पका कर देता। और सारी बात छोड़ दूं, बता सरी फेंक नहीं है? बिल्कुल सुधी। हाँ सुधी नहीं है बिल्कुल ठंडी। चलो चाय ठंड पकड़ ले भाई, लोटी दे। तू लाके दिखा दे आपसे, चाहे जड़ा मर्जी फेर ले। चलो चलो ठीक है भाई, क्या ले रहे हैं? मैसे 3 ले रहे हैं। पहले को अवार्ड जीते ने? हाँ जी पहला, दूसरी मैसे ना अवार्ड जीत रहे थे। अच्छा, अपना तो दादा ला ही काम है, पहला अपना दादा करे करे था, फिर डैडी और करे करे थे, बाप आगा बाप भी आ गए। परंपरा ने जिंदा रख रहे हो। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। नाम तेरा भाई? मेरा नाम बॉबी है जी। चलो बॉबी भाई बहुत बढ़िया, आपको एडवांस में शुभकामना भाई। अर्जिया लिया है क्या अवार्ड कोई? हाँ जी, ये 4th नंबर पर आई है। हाँ जी जीत का ही आई है अभी मौके पे। किसका क्या नाम है? इसका नाम दन्नो है जी। अच्छा दन्नो बतेरी क्लासो पतासो है, ठीक है। क्या क्या नाम आ रहे हैं? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। उड़ान के ले रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? देख लो जी हमें नस्ल सुधारा जी, काम नस्ल सुधार हो। हाँ। अच्छा हाँ। 10वीं पास बेरोजगारों के लिए सुना रहा अवसर, आज भाई पूरा नाओ इसकी नस्ल सुधार हमारा कैमरा मैन की दम। अच्छा किस तरह कैसे नस्ल सुधार? तो देसी जो गए हैं अपनी उसकी नस्ल सुधार दोगे? उसकी उसमें भी तो जैसे हरियाणा नस्ल है, हरियाणा नस्ल उसमें भी तो क्वालिटियाँ होती है ना। हाँ हाँ, अगर अच्छी आप यही करेंगे तो जैसे आजकल नॉर्मल जैसे 3 से 4 किलो दूध देवे, बढ़िया अगर आप एआई करांगे तो वह देसी भी अपने 18 से 20 लीटर देने लग जाएगी। कई जगह है अपने हरियाणा, अपने सुझाव सरकार को नहीं दिए क्योंकि हम तो कब बार बार नहीं चला रहे हैं, ये सरकार ही तो कर रही है ना, कर तो रही है, लेकिन ये नस्ल सुधार पर काम इम्प्लीमेंटेशन को, इम्प्लीमेंटेशन जो हम ये कोर्स करवा रहे हैं एआई का मैत्री के नाम से, इनका काम ये होता है कि गाँव में जाके एआई करे और लोगों को इस चीज के लिए जागरूक करे कि हमारी जो हरियाणा नस्ल है देसी नस्ल है उस पे हम बढ़िया क्वालिटी की एआई करके हम अच्छी नस्ल तैयार करके दूध की मात्रा ज्यादा से ज्यादा ले सके। अभी तक इस तरह की अचीवमेंट कोई है उदाहरण एग्जांपल है कोई? है उदाहरण हमारे पास बहुत है, देसी गाय हमारे पास घर पे खुद के हमारे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ कितना लीटर दूध? 18 लीटर दूध देती है देसी गाय। हाँ देसी हरियाणवी नस्ल, आप कभी भी आके चेक है। फोटो वगैरह अभी मोबाइल में है? फोटो नहीं है मेरे पास। अच्छा चलो चलो भाई, देखो मैं एक बात कहूँ, गौ का जाया है नहीं जो, और जीप बचेगा जीप गायें बचेगी, नहीं तो सूखे नारे हमला, गायें बचेगी देश बचेगा। गायें बचाई नहीं रखी क्योंकि उसकी नस्ल पर काम को नहीं होया,
तो इन भाई ने आज के दिन दूध गायों की कदर क्यों नहीं है, क्योंकि आप अच्छी नस्ल तैयार नहीं करने लग रहे। वो अगर दूध नहीं देती, दूध कम देती है, तब लोग उसको निकाल रहे हैं। अगर हम अच्छी आई करेंगे तो क्यों नहीं उसकी केयर होगी। चलो मैं इसलिए भी कहूँ क्योंकि अपनी आदत होगी स्वार्थी है। इंसान की प्रवृत्ति है ना, बिल्कुल सही, मानस की प्रवृत्ति स्वार्थ की है। उन्हें फायदा नहीं देती दिखती तो लात मार के कर दे। लेकिन मैं कहूँ चाहे गाय दूध भी ना दो भाई, असल में तो नस्ल सुधार पर काम हो जाए तो उसकी उपयोगिता हो जाएगी। लेकिन गाय के ऊपर हाथ फेर लो, देसी की बात कर रहा हूँ, रिकण की नहीं, देसी नस्ल की गाय के ऊपर हाथ फेर लो तो बीमारी खत्म। उसका गोबर में मूत्र में वो औषधि है, और जो दूध है उसका वो अमृत है भाई। या पास देसी है, कौन सी नस्ल देखी भैया? हम जी साहिवाल है, जर्सी है, जर्सी है या जर्सी है। अच्छा, इसका रंग तो साहिवाल वर्गा है, जर्सी है, मिक्स है या अपने हरियाणा नस्ल भी बहुत। आपने देसी नस्ल की पार्टिसिपेट नहीं करी कोई? नहीं, अपने जैसे गिर है कई जगह है, और साहिवाल है जैसे करनाल में है, बहुत अच्छी अच्छी गायें हैं, कई जगह हम जाते हैं देखते हैं। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण मतलब एआई का हम कोर्स करवाते हैं मैत्री के तो नाम से। अपने हरियाणा में भी बहुत जगह इसकी वैकेंसियां हैं, और इसमें हर गांव में एक मैत्री वर्कर के नाम पे एआई वर्कर लिया जा रहा है, जो कि स्पेशल उसका काम ये रहेगा कि नस्ल सुधारना। अच्छा, आपने इसमें लिखा पीछे 10वीं पास बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर है, सब रोजगार एवं सरकारी नौकरी में मान्य, तो उनके लिए अवसर कैसे बताऊं? उनके अवसर ये है कि जैसे मान लो कोई 10वीं पास है और वो बेरोजगार वो वैसे ही घूम रहा है, हमारे पास कोर्स करके वो गांव में अपना रोजगार कर सकता है। अच्छा, जैसे ये बेरोजगार है, सपोज दैट उन तो सब लग रहा हूं जी, और आपने इनको बताना है इसके बारे में, बताओ प्रेजेंटेशन दो आपकी। हां जी, मैं एआई इंस्टीट्यूट से हूँ सोनिया। हमारे यहाँ पर 10वीं पास के लिए ये सुनहरा अवसर। इनको समझाओ, 10वीं पास आउट के लिए आप इनको समझा रहे हो, प्रेजेंटेशन दो अपनी पूरी। ये कोर्स आपको देखो पशुओं के ऊपर काम करना, हम इसमें आपको सिखाएंगे फर्स्ट एड, पीडी और एआई। ये चीजें अगर आपको आ गई तो कोई भी पशु एक तो बीमार नहीं होगा, आने वाली जो नस्ल है वो सिर्फ अच्छी नस्ल ही पैदा होगी। दूध की जो ग्रोथ है आज 5 लीटर से बढ़कर सीधी 18 लीटर पर जाएगी। इसकी ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? 3 महीने का कोर्स है। अच्छा भाई, कर लेगा 3 महीने अटेम्प्ट? काट लेगा, काट लेंगे जी, काट लेंगे। अच्छा, इनकी बात कुछ समझ में आ रही है? सिर के ऊपर को जाओ है ना, ना समझ आ रही है। अच्छा, और बताओ जी। इसमें 3 महीने का कोर्स करने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर सरकार वैकेंसी निकालती है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। पूरे भारत में हमारे यहाँ पर हमें ही अथॉरिटी की हम आपको ये कोर्स करवा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री सेंटर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है ये हमारा। इसमें सिर्फ गाय और भैंस है या बकरी भी शामिल है? नहीं, गाय और भैंस का रहेगा। अच्छा, तो इसमें इसकी कोई फीस रखी गई है? हाँ जी, फीस है वो 30,000 फीस रहेगी, जिसको आप आसान किस्तों में दे सकते हैं हर महीने 10,000 रुपए करके। पहले बेरोजगार 30,000 और मांग लो तमिन पे किए रह जाएगा। लेकिन आप ये देखिए ना, ये 30,000 लेने के बाद हम इनको हर डेली का आप 2,500 से 3,000 रुपए कमा सकते हैं। कैसे? कैसे? ये खुद का अपना फील्ड में काम कर सकते हैं, पशुओं के ऊपर खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, जो आपको हम डॉक्यूमेंट देंगे। आप सर्टिफिकेट देंगे? हाँ जी, सर्टिफिकेट देंगे। 10वीं पास मतलब एलिजिबिलिटी के लिए 10वीं कंपलसरी है? 10वीं कंपलसरी। 10वीं बैटरी? बैटरी बैटरी है। मैट्रिक? मैट्रिक है। कितने नंबर 10वीं में? नंबर 60% है। 60% ओके। जनाला छोरा आयो तो नोन पुछर कोठी में है, ईप कोठी में है। क्या नाम है? दीपक। कौन सा काम? आदमपुर। अच्छा, समझ मारी मैडम की बातें? मैडम की बात आ रही है। अच्छा, आप कह रहे हो कि भाई जैसे ये जो प्रोसेस है कृत्रिम गर्भाधान की, ये वाली चीजें होगी, और इसमें कुछ वो भी चीज सिखाओ आप लोग भी, उसमें कुछ बीमार हो जाए कोई पशु? हाँ जी, ये सारी चीजें सिखाते हैं। बीमार हो गया तो दवाई कैसे देनी है, टीका कैसे लगाना है, फीड कौन सा देना है उसको, न्यूट्रिशन कौन सा देना है, आने वाली जो नस्ल है वो सिर्फ बच्ची पैदा हो तो वो सीमन कौन सी क्वालिटी का यूज करना है, तो ये सारी चीजें। या तो थ्योरेटिकल होगा, प्रैक्टिकल का भी कुछ डेमो बना के? प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चीज। इसमें क्या होता है, 2 महीने हम पहले थ्योरी होगी और फिर 1 महीना प्रैक्टिकली ट्रेनिंग, क्योंकि जो ये एआई का है पीडी का, जब तक हम प्रैक्टिकली ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक उसको आएगा ही नहीं, क्योंकि वो पशुओं में जो फंडर पशु होते हैं, जो वो ना दूध देते ना ब्याते, उनमें किस प्रकार के से उसमें इन्फेक्शन है, उसमें हम कैसे मेडिसिन रखेंगे, वो चीज करके फिर हम एआई करेंगे उसमें। चलो बहुत बढ़िया, एक एआई राजनीति वाले भी कर दूं, इनकी भी नस्ल सुधार दो। ये राजनीति वाले लकड़ पगे बागड़ बिले कुकुर मुते धोल के पड़िए, इनका सुधार की भी कोई आना चाहिए कोई इस तरह का। बिल्कुल, इनकी एआई का कोई लेआउट टेक्नोलॉजी काट गए, और फिर मैं तुमने लाइव करूंगा चैनल पर, मैं कहूंगा राजनीति वाले की भी एआई कर देंगे, उनकी नस्ल सुधार दो तो सारा देश आपको सुधर जाएगा। ये राजनीति वाले की नस्ल बिगड़ रही नहीं भाई, बिगड़ रही नहीं, ये राजनीति वाले की नस्ल सुधर जाए नहीं
तो फिर इन ए आई की जरूरत कौन है? कृपा निर्मल बाबा वाली बात है, बोले कृपा वहां से रुक रही है, कृपा उड़ते रुक रही है। ये राजनीति वाले की नस्ल सुधर जाए तो गारंटी है। ये राजनीतिक पार्टी है कि राजनीतिक कंपनी है भाई? राजनीतिक कंपनी है, राजनीतिक कंपनी है। चलो हैं, सारे मिलके सुधार सकते हैं। आज 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 भारतीय नारी सब पर भारी। आज आओ, आप आओ, नून कौन सुधरे फिर जब पीछे पीछे। अच्छा डर रहे हैं, ये नौकरी पे होंगे, ये नौकरी पे होंगे डर। चलो आप वोट कर ले भाई, आई बोलो वोट कर ले। हां बोलो जी, बोलो सर। एआई तो एकली तो कुछ नहीं होता, सबने मिलके फिर राजनीति का सफा नस्ल ए उनने चला रखी, अपन ने चला रखी है वो। हम उनने वोट देके उनने ऊपर चढ़ावा जी। ये देखो मैडम, वोट में कहनी बढ़िया बात है, क्यों नौकरी का भी सवाल है नी? और मैडम ने कहनी थी थोड़ी सी, कह दी भाई। चलो फिलहाल देखो वो काम भी हो रहा है, चुपके चुपके रोने वाले रखना छिपा के, दिल के छाले रे पिंजरे के पंछी तेरा दर्द ना जाने कोई। कुछ कड़वी सच्चाई हम कहो, हाँ हमने पहले भी कहा था, हम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बेबाकी तो कहोंगे। इब्बी कह रहे हैं ये राजनीति वाले, एक बार बोलियो रखे लगे, ये राजनीति वाले लकड़ पके बागड़ बिले कुकर मुते दौड़ कपाड़िए ओलिए, ये कोल्ले हैं, कितने धोलो काले रंगे। चलो खरदे सिर।